अल्लाम वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स आज मैंने एक ऑनलाइन ड्रेस मंगवाया है एथनिक से एज यू ऑल नो कि मुझे एथनिक ब्रांड बहुत पसंद है पाकिस्तानी ब्रांड है आपको इंटरनेशनल ऑर्डरस भी इस पर मिल जाएंगे और मुझे ये बहुत पसंद है मेरी मोस्टली शॉपिंग ऑनलाइन जो है वो एथनिक डॉट पी के से होती है ये कोई प्रमोशन या एडवर्टाइज़मेंट की वीडियो मैं आपको लिए नहीं बना रही बल्कि ये वीडियो जस्ट मैंने एक ऑनलाइन ड्रेस मंगवाया तो मैंने सोचा उसका रिव्यू मैं आपको देती हूँ और उससे आप कुछ ड्रेस आइडियाज़ भी ले सकें क्योंकि हमारा मकसद जो है वो ड्रेस डिज़ाइनिंग है तो इसलिए ये देखें थ्री पीस सूट मुझे मिला है जिसमें ये इसका ट्राउज़र है ठीक है और मुझे ये फिफ्टी परसेंट ऑफ में बना है क्योंकि ये गर्मियों की समर सेल में आप अगर उनकी चेक करें अभी भी समर सेल लगी हुई है लेकिन फैंसी जोड़े काफ़ी ख़त्म हो चुके हैं ये अचानक मुझे नजर आया तो मैंने सोचा कि चले मंगवा लेती हूँ इसका ट्राउजर देखें कैपरी बनी हुई है और साथ में नीचे और गेंजा का कपड़ा लगाया गया है और यहाँ पे मशीन से इन्होंने फिर जिक जैग में वो किया हुआ है काम किया हुआ है तो मैं आपको अंदर से भी दिखा सकती हूँ आप भी ट्राउज़र इस तरह का बनवा सकते हैं अगर आप चाहें नीचे और गेंजा का कपड़ा होता है फ्रेंड्स और गेंज़ा बहुत टाइप्स की मिलती है एक बहुत स्लिपरी और शाइनी सी होती है और एक औरजिनल और गेंजा होती है जो आपको एक्सपेंसिव मिलेगी लेकिन हमेशा कोशिश करें कि अगर आपने आ, कोई ज़रूरी चीज़ बनानी है तो आप औरगैन्जा प्योर ऑर्गेंजा और लें ये देखें पीछे और गेंजा का अच्छा खासा बड़ा डबल कपड़ा लगा हुआ है फिर ये जिग जैग में ये देखें इस तरह से जो है वो ऊपर इसके मशीन से सिलाई की गई है आप चाहे तो आप भी और गेंजा का कपड़ा लगा के ऊपर लेस लगा सकते हैं तो बहुत ही प्यारा सा ट्राउज़र तैयार हो जाएगा और ये कैपरी बनी हुई है ठीक है इसकी लेंथ थोड़ी सी कम होती है एज़ कम्पेयर टू आपका जो ट्राउज़र होगा उससे आपको इसकी लेंथ कम मिलेगी इसलिए कैपरी मंगवाने से पहले ये सोच लीजिएगा अगर आपको पिक्चर में वो छोटी नज़र आ रही है तो वो कैपरी होगी तो उसको मंगवाने से पहले सोच लीजिएगा कि ये छोटी ही होती है तो ये देखें डबल में किया किया गया है और बहुत ही क्यूट सा एक ट्राउज़र है आ, मुझे अच्छा लगा है ये कि अच्छा आपको रीज़नेबल पड़ गया लाइक ये अलैन थाउजेंड का जोड़ा है और मुझे ये फाइव थाउजेंड में मिला है फाइव फिफ्टी फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड पाकिस्तानी रुपीज़ में एथनिक ये देखें इसके ऊपर टैग लगा हुआ है और ठीक है एक्सपेंसिव है लेकिन बना बनाया जोड़ा क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं लेके और फिर उसको सिलवाऊं तो अर्जेंट बेसिस पे अगर आपने मंगवाना है तो आप सेल में मंगवा लिया करें ज़रूरी नहीं है कि आप बोलें लेकिन अब आपको जो मैंने ऑनलाइन मंगवाया है ब्रांड का तो आप चाहे तो आप इस तरह का सिलवा सकते हैं आप कपड़ा देखें आप सिंपल प्रिंटेड कपड़ा ले लें ये जो ऊपर लगा हुआ है गला लगा हुआ है इसका ये टसल बहुत क्यूट है ये देखें बिल्कुल एक ढोल सा टाइप सा एक गोल ऊपर लगाया हुआ है इन्होंने और नीचे तीन टसल्स लगाई हुई हैं तो बड़ा क्यूट सा ये मुझे लगा और ये जो ऊपर गला है ये आपको बाजार में भी मिल जाएगा ये कोई इतना ख़ास मुझे नहीं लगा ये काम नहीं हुआ हुआ बल्कि गला चिपकाया गया है ऊपर तो देखने में अच्छा लग रहा है बना बनाया आपको मिल जाएगा तो ये देखें फ्रेंड्स इस तरह से मैं आपको दिखा देती हूँ आप भी चाहे तो गला ले सकते हैं और रेड का कंट्रास्ट किया है इन्होंने सी ग्रीन के साथ सी ग्रीन तो ये नहीं है बल्कि मेहंदी कलर है ये इसको हम मेहंदी कलर कहते हैं मेहंदी कलर के साथ महरूनिश सा रेड डीप रेड है ये इसका कंट्रास्ट किया गया है अब मैं इसके स्लीव्स दिखाती हूँ यहाँ इन्होंने लेस लगाई हुई है लेस भी आपको ईजिली मिल मिल जाएगी तो आपके लिए ये ड्रेस डिज़ाइन भी होगा देखें ये लेस है नीचे कपड़े के ऊपर कपड़े के सिलाई किया हुआ है इन्होंने तो ये इसके जो हैं वो स्लीव्स हैं अब मैं आपको उसका बॉर्डर दिखाती हूँ बॉर्डर पे भी सेम इसी तरह की लेस लगाई गई है अब इसका दुबट्टा बहुत खूबसूरत है इसकी वीडियो को आगे तक देखिएगा मैं आपको पूरा पहन के इसके साथ मैचिंग करके भी दिखाऊंगी इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और पूरी एंड तक वीडियो देखिएगा ये देख सकते हैं आप इसमें पूरा जो है वो लेस लगाई गई है ठीक है ये आपका हो जाता है बॉर्डर और अब आप देखें तो अब मैं आपको इसका दुबट्टा दिखाती हूँ दुबट्टा इसका बहुत प्यारा है वो रेड कलर का है और औरगैन्जा का बनाया गया है अच्छा फ्रेंड्स अब मैं आपको इसकी असल चीज़ दिखाती हूँ जो मुझे बहुत अच्छी लगी है वो ऑर्गैनजा का दुबट्टा है और वो बहुत ही प्यारा है तो वो मैं आपको दिखाती हूँ और इसके बाद मैं आपको पहन के इसके साथ मैचिंग करके भी दिखाऊँगी फ्रेंड्स ये देखें ये ऑर्गेंजा का कपड़ा है और ऑर्गेंजा मैच की हुई है रेड कलर का ऑर्गेंजा इन्होंने चूज किया है और इस पर आप देखें तो मैं आपको दिखाती हूँ साइडों पे तो सेम वही वाली लेस लगाई गई है जो कि इन्होंने बाजुओं पे और दामन पे लगाई थी कमीज़ की ठीक है तो इस तरह आप भी लेस लगा सकते हैं ठीक है और बीच में जो काम है वो मैं आपको दिखा देती हूँ ये कढ़ाई हुई हुई है ये मशीन की कढ़ाई होती है और मशीन से की जाती है हाथ से नहीं की हुई बीच में एक बड़ा बंच सा बनाया हुआ है देखिए गोल्डनिश से कलर का और फिर चार जो है वो उसके आसपास पास है अभी मैं आपको आगे पूरा रिव्यू दूंगी फुल दुबट्टा दिखाती हूँ तो आपको प्रॉपर पता चलेगा कि दुबट्टा किस तरह का है तो इस तरह फ्रेंड्स आप दुबट्टा डिज़ाइन कर सकते हैं इस तरह के आपको बंच भी मिलेंगे लेकिन वो इस तरह के कटे हुए नहीं होते अच्छा फ्रेंड्स आप देखिए मैंने दुबट्टा जो है वो पहन लिया है और इस तरह आपको फुल दिखाई दे रहा होगा दुबट्टा मैं आपको साथ में दिखाती हूँ कि मैंने इसके साथ मैचिंग कौन सी की है नाउ फ्रेंड्स मैंने इसके साथ रेड कलर की चूड़ियों का इस्तेमाल किया है और आप चाहे तो ग्रीन भी ले सकते हैं मोस्टली लोग ग्रीन और येलो और इस तरह के कंट्रास्ट करेंगे लेकिन सबसे बेस्ट इसके साथ रेड कलर मैरूनिश कलर लगेगा ये देखें इसको कितना कॉम्प्लीमेंट कर रहा है इसलिए हमेशा उस चीज़ का इस्तेमाल किया करें जो आपकी या तो लेस लगी होती है या आपका कम कलर होता है कपड़ों में अब मैं आपको दिखाऊंगी कि इसके साथ जो शूज़ मैंने चूज़ किए हैं वो मैंने मैरून कलर के शूज़ चूंज किए जो कि काफ़ी गंदे हुए हुए हैं लेकिन जस्ट आपको दिखाने के लिए मैं दिखा देती हूँ कि ये ये वाला कलर आपने चूज़ करना है जो कि रेड है आप चाहे तो इसके साथ येलो शूज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं गोल्डन भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा आपके साथ रेड अच्छे लगेंगे मेरे पास मैरून थे तो मैंने इनको मैरून चूज़ किए हैं ना फ्रेंड्स हमारा ड्रेस रेडी हो चुका है और साथ में रेड चूड़ियाँ और मैरूनिश से शूज़ मैंने चूज़ किए हैं हमेशा उस कलर का कंट्रास्ट किया करें जो आपकी कपड़ों में कम होता है जैसे आप रेड के साथ मैरून शूज़ बहुत कॉम्प्लीमेंट करें इसके साथ अगर आप ग्रीन शूज़ पहनेंगे तो वो इतना कॉम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ें भी साथ में बताती रहती हूँ अगर आप येलो कलर के शूज़ पहनेंगे तो भी प्यारे लगेंगे क्योंकि येलो हमारे गोल्डन के साथ मैच करेगा तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके ड्रेस को एक आम से ड्रेस को भी बहुत ही खूबसूरत बना देती हैं और बहुत अच्छी लुक आती है आजकल हाथों में पहनने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है घड़ी और आजकल घड़ी का बहुत फैशन है इसलिए अच्छी सी घड़ी लेकर आप पहन लें मैंने यहाँ नहीं पहनी लेकिन जिसमें आपके कौश अगर आप, आप सेलिब्रिटीज़ को देखें और बड़े बड़े आर्टिस्ट को देखें तो आपको उनके हाथ में घड़ी ज़रूर नजर आएगी ये ना सिर्फ आपके प्रोफेशनलिज्म को शो करती है स्पेशली अगर आप वर्किंग वुमेन हैं तो घड़ी का इस्तेमाल ज़रूर किया करें उसके अलावा टॉप्स यूज़ किया करें टॉप्स आप बड़े बड़े एयर पहनने के बजाय बड़े टॉप्स जो आजकल एयर आए हुए हैं उनका बहुत ज़्यादा ट्रेंड है तो इसके साथ मैं जो यूज़ करूँगी वो रेड करूँगी जो कि अभी मैंने लिए ही नहीं है लेकिन पसंद कर लिए हैं ऑनलाइन तो मैं वो मंगवा के इसके साथ चूज़ करूँगी अभी जस्ट मैं आपको एक रिव्यू देना चाहती थी ताकि आपको पता चल जाए कि ये ड्रेस कैसा लग रहा है इस तरह का आप ख़ुद भी बनवा सकते हैं फ्रेंड ज़रूरी नहीं होता कि आप ब्रांड की चीज़ें पहने लेकिन अगर आपको मिल जाता है तो ठीक है और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते और नहीं लेना चाहते तो आप इस तरह के ब्रांड के कपड़ों के साथ डिज़ाइनिंग खुद भी घर में कर सकते हैं काफ़ी सारी आपकी सेविंग हो जाएगी होपफुली आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी पसंद आई होगी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स नीचे एथनिक डॉट पी के आप सर्च कर सकते हैं वहाँ पे आपको अच्छे अच्छे ड्रेस मिलेंगे मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं उनके ड्रेसेस बहुत मंगवाती हूँ और पहनती हूँ और ये कोई प्रोमोशन वीडियो नहीं है बल्कि जस्ट मैंने आपको एक रिव्यू दिया है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंगाफिज़